हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस, आज जो मेरा वीडियो है वो है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद या फिर डिलीवरी से पहले जो प्रेगनेंट वुमेन होती हैं उनके पेट के आसपास कमर में काफ़ी पेन रहता है, तो उस पेन के लिए रिलीफ के लिए मैं कुछ आपके साथ टिप शेयर करूंगी जो मेरी भी आजमाई हुई हैं और जिनसे कमर दर्द के लिए मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। तो गाइस, पहली है मसाज। आफ्टर डिलीवरी के बाद कम से कम 1 मंथ तो आप मसाज जरूर करवाइए। वुमेंस होती हैं जो मसाज करती हैं, आप उनसे करवाइए मसाज। सी सेशन अगर आपका हुआ है तो आप ध्यान रखिए पेट के आसपास मसाज करते टाइम ज़्यादा जो है दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट आप जितना हो सके उतना यूज़ करिए। मिल्क आप पीजिए रेगुलर बेसिस पे, डेली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और उसके बाद भी। मिल्क में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है जिसके लिए आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थर्ड वन है कि आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए, बादाम, काजू। मेन जो है वो गोंद है और कमरकस, ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप खाएंगे, आपको इनसे कमर दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फोर्थ वन इज़ गाइस पानी, वाटर बहुत पीजिए, पानी जो है बहुत पीजिए, उससे भी आपको काफ़ी जो है रिलीफ मिलेगा इससे कमर दर्द में। नेक्स्ट है 5th वन इज़ प्रोटीन। प्रोटीन रिच फूड लीजिए। नंबर 6 अंजीर खाइए, अंजीर भी बहुत फ़ायदेमंद है कमर दर्द के लिए। 7th वन इज़ मखाने। मखाने में भी बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है, आप उसको लीजिए। मखाने की खीर है या रोस्टेड मखाने हैं ये आप खाइए, इससे भी आपकी हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 8th वन इज़ गाइस आप बेल्ट यूज़ करिए। आफ्टर डिलीवरी मैंने भी यूज़ की थी, कमर के लिए बेल्ट आती है जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है सी सेशन के बाद चलने में और आपकी कमर दर्द को भी काफ़ी आराम मिलेगा, तो आप जो है बेल्ट यूज़ कीजिए। 9th वन इज़ गाइस कि आप गुनगुने पानी से नहाइए। आफ्टर डिलीवरी आप हल्के गुनगुने पानी से नहाइए, ठंडे पानी से या फिर बहुत ही गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का गुनगुना पानी लीजिए जिससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ कि जिस टाइम आपको दर्द हो रहा है राइट, उस टाइम आप जो है एक्सरसाइज मत करिए, उस टाइम आप एक्सरसाइज करने को अवॉइड करिए, उसके बाद करिए। जिस टाइम वो काफ़ी पेन है उस टाइम एक्सरसाइज मत करिए। सो गाइस, ये कुछ मेरे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरी भी सी सेशन डिलीवरी हुई थी तो इनमें से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं अपने लिए, तो मुझे काफ़ी आराम मिला कमर दर्द में, अभी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप भी करिए, आपको ज़रूर से इसमें फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन चीज़ों से कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच।